तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो मेरा यहाँ पर एटीएम आ चुका है, न्यू एटीएम। तो मैं पिन किस तरह से चेंज करूँगा, पिन चेंज करने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक मैसेज टाइप करना होगा, मुझे ओटीपी चाहिए, ठीक है, 4 डिजिट का ओटीपी होता है। तो ओटीपी किस तरह से लेना है यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैसेज बॉक्स को ओपन कीजिए, उसके बाद इस तरह से आपको आ जाएगी, आपको इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर आपको डालना होगा, जैसे कि आपके पास SBI है तो SBI का यहाँ पर नाम डालना होगा। तो मैं यहाँ पर नाम, जैसे कि यहाँ पर मैं नंबर टाइप कर लेता हूँ 56। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से डालना होगा अपना नंबर, ठीक है। तो इस नंबर पर डालने के बाद आपको क्या करना होगा, बताइए 56 इस नंबर पर डालिए, उसके बाद इसी यह टाइप करना होगा, यहाँ पर देखिए P, ठीक है, कैपिटल में PIN, उसके बाद यहाँ पर देखिए स्पेस डालना होगा, स्पेस डाल दीजिए, उसके बाद आपका जो ATM कार्ड का लास्ट डिजिट 4 डिजिट है, लास्ट 4 डिजिट, जैसे कि मैं लास्ट 4 डिजिट है 1234, ठीक है, मतलब मैं आपको समझ में देता हूँ, आपका जैसे कि आपका 4 डिजिट है पिन 1234, ठीक है, 1234, ठीक है, इस तरह से होता है। तो अलग भी होगा फ्रेंड, ठीक है, तो मैं आपको दिखाया तो इस तरह से होगा। तो उसके बाद 4 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट डाल दीजिए, उसके बाद स्पेस डाल दीजिए, उसके बाद आपका फिर से अकाउंट नंबर 4 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट, जैसे कि मान लो मेरा अकाउंट लास्ट 4 डिजिट है 7890, इस तरह से मेरा अकाउंट नंबर लास्ट 4 डिजिट है, इस तरह से जानना होगा। जो भी बैंक के साथ लिंक है मोबाइल नंबर, उसी सिम से मैसेज को सेंड करना है, सेंड करने के बाद आपको तुरंत एक SMS आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, इस तरह से आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट SBI ये सक्सेसफुल रेखा आ जाएगी आपका, ठीक है। तो रेखा आ जाने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए इस तरह से आपका OTP आएगी, इस तरह से आपका मोबाइल पर OTP आएगी, बोलेगा यहाँ पर देखिए डू नॉट शेयर दिस मैसेज 1 टाइम, ये पासवर्ड पिन है, ठीक है, आपको 1 टाइम पासवर्ड देना है, सेट योर न्यू पिन एनी स्टेट बैंक ATM मशीन में जाके आपको पिन चेंज करना होगा। तो पिन इस तरह से चेंज करोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं ATM मशीन पर जाना होगा फ्रेंड, ठीक है, SBI का ATM जो मशीन है वो पर जाके आप यहाँ पर पिन को चेंज कर सकते हो। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से चेंज करना होगा। तो फिर मैं यहाँ पर ATM पर आ चुका हूँ, सबसे पहले ATM को स्वीप कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको इंटरफेस आ जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहा है, डोमिनेशन स्टेट इंटरनेशनल, तो इसमें क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है, कोई भी एक चॉइस कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए इंग्लिश में चॉइस कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए बैंकिंग पर क्लिक करना होगा, पिन चेंज करना चाहती हो, सब कुछ यहाँ पर दिया है, ट्रांसफर करना चाहती हो आधार बैलेंस इनकारी मिनी स्टेटमेंट, तो मैं पिन चेंज पर क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर नंबर डालना होगा, एनी योर कोई भी नंबर पर चॉइस कर लीजिए, मैं 99 चॉइस कर लिया, इस पर क्लिक कीजिए, इंटर योर करंट पिन, जो पिन OTP आया था SMS में वो पिन डालना होगा। चलो मैं OTP डाल देता हूँ, ठीक है, वो मोबाइल पर। उसके बाद न्यू इंटर पिन, ठीक है, जो न्यू पिन आपको यहाँ पर क्रिएट करोगे, यहाँ पर लिखा है न्यू पिन डालना होगा आपको। चलो मैं न्यू पिन डाल देता हूँ फ्रेंड। तो न्यू पिन डालने के बाद फिर से दोबारा डालना होगा, न्यू पिन दोबारा डालने के बाद इस तरह से प्रोसेसिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आ जाएगी वेटिंग, तो यहाँ पर थोड़ी वेट कर लेता हूँ फ्रेंड।
तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन कम्प्लीट हो चुका है, तो मेरा पिन कम्प्लीट हो चुका है, कार्ड अभी यहाँ पर हाँ रिमूव करने बोल रहा है, तो मैं रिमूव कर दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं एक ट्रांजेक्शन करके देखता हूँ फ्रेंड, ठीक है। चलो जो मैंने न्यू पिन सेट किया हो, चलो एक यहाँ पर ट्रांजेक्शन उजल करके देखता हूँ फ्रेंड, ठीक है, पैसा निकाल के देखता हूँ होता है कि नहीं। चलो यहाँ पर देखिए फिर से डोनेशन में क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर देखिए प्लीज वेट आ रहा है, तो यहाँ पर फिर से लैंग्वेज चूज कर लेता हूँ इंग्लिश, ठीक है। तो मैं इंग्लिश वेट कर लूँ, कुछ भी जो भी भाषा जानते हो वहाँ पर क्लिक कीजिए फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ चुका है आपका, पैसा निकालना चाहते हो तो यहाँ पर देखिए दो दो ऑप्शन है, उजल पर क्लिक कीजिए। उसके बाद एम्प्लॉयी इंटरव्यू कैश अवेल पर 500 रुपीज़ दिया है, तो चलो 500 रुपीज़ में इंटर कर लेता हूँ। उसके बाद इस ऑप्शन में क्लिक किया, इंटरव्यू यू पिन, जो पिन न्यू पिन दिया था वो पिन डाल दीजिए, तो थोड़ी वेट कर लेता हूँ। आ चुका है, तो मेरा पिन सक्सेस हो चुका है फ्रेंड, ठीक है। तो इस तरह से करना होगा फ्रेंड, तो जो मेरा यहाँ पर एटीएम कार्ड है वो इस एसबीआई में होगा, दूसरे एसबीआई में एटीएम मशीन में नहीं हो रहा था, ठीक है। मैं आपको दिखा दिया फ्रेंड किस तरह से करना, ठीक है फ्रेंड। मिलते हैं अगले वीडियो, जो ही बंदे मानो वीडियो को शेयर कर दीजिए।